हाईकोर्ट के एक आदेश ने हल्द्वानी गफूर बस्ती के लोगों की नींद उड़ा दी है। अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद से ही हल्द्वानी शहर का एक हिस्सा सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। कहीं आए पीढ़ी जा रही है और तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को मामले पर सुनवाई करेगा, मगर पुलिस प्रशासन की तैयारियों से माहौल दहशत से भरा हुआ है। जानकारी के अनुसार रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पुलिस और जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे के अधिकारियों ने भी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं कुमाऊं रेंज के IG नीलेश आनंद भरड़े ने कहा है कि पुलिस हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि बनभूलपुरा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स सहित कुल 5,000 सिपाही की मांग की गई है। कहा 8 जनवरी तक फोर्स आने की संभावना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस भड़काऊ भाषण और क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि से लेकर सोशल मीडिया तक पैनी नजर बनाए हुए है। नहीं, इसको हमने LIU का भी अतिरिक्त स्टाफ यहाँ पर डिप्लॉय हो गया है और उसको भी जो है फील्ड में पूरी तरह सक्रिय है। हमारी खुफिया नज़र हर जगह पे है। हमने लिस्टिंग भी कर रखी है जो ऐसे न्यूसेंस कोई करा सकते हैं। बाहर से आने वालों पे हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। जो सत्यापन अभियान भी पुलिस अभी चला रही है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाएंगे जो यहाँ के नहीं है मूल निवासी, या जिसके पास कोई आधार कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित पुलिस करेगी। और ऐसे कोई अगर फिजा खराब करने की कोशिश करता है, भड़काऊ भाषण करता है, तो उस पर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन ली जाएगी।